नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले, गुड इवनिंग। मेरा नाम मेनका हंडू है, आपके दिदा अश्विन कोशिश जान के सातवें एपिसोड में मैं आज तहे दिल से आपका खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कहते हैं जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिजूल है मापना कद आसमान का। इसी तरह एक ऊंची उड़ान उड़ेंगी आज हमारी दो कश्मीरी बच्चियां, जो लड़कियां हसास हैं, थोड़ी सी संजीदा हैं और बहुत बहुत बहादुर हैं। सबसे जरूरी बात, कश्मीरी में बहुत अच्छी तरह से बात करना जानती हैं। आपको बताते चलूं कि प्रोग्राम लाइव है, एडिट की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए किसी भी भूल चूक के लिए मैं पहले ही माफी मांग लेती हूं, किसी टेक्निकल ग्लिच के लिए पहले ही माफी मांग लेती हूं, इसमें एडिट की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, आपको अपने वतन जम्मू कश्मीर की सुनाऊंगी एक और कहानी, जिससे उसकी तासीर और ताकत के बारे में पता लगता है। आपकी भरपूर तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगी अपनी आज की दो लड़की मेहमानों को, जिनको मैंने पहले ही कहा कि कश्मीरी बहुत अच्छे से आती है, और उन्हें दुआएं दीजिए और हम उनका खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़ेंगी तायबा मसूदी श्रीनगर से, और जम्मू से बात करेंगी हमारे साथ श्रिया भट्ट। मुझे 5 मिनट का वक्त दें, मैं इन बच्चियों को ऐड करती हूँ। हमने तायबा को रिक्वेस्ट भेज दी है, वेट कर रहे हैं उनके ज्वाइन करने का। सलाम दीदा। सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक, आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। आपकी दूसरी बहन को बुला लें जरा। चलिए जी, हमारे साथ तायबा जुड़ गई हैं, अब हम श्रिया को बुलाते हैं। चलो जी, श्रिया को भी हमने रिक्वेस्ट भेज दी है और वेट कर रहे हैं श्रिया के सेशन में जुड़ने का। ओ, आपने कश्मीरी कपड़े पहने हैं, फेरन पहना है? हाँ, बहुत खूबसूरत फेरन, मेरे पास इसी रंग का एक फेरन है। थैंक यू। हम वेट कर रहे हैं श्रेया का। श्रेया, एक्सेप्ट कीजिए बेटा, हमें कुछ ना कुछ परेशानी ये लाइव जरूर देता है हर दफा, है ना? हाँ, कोरोना खत्म हो जाता तो हम ऐसा कुछ करते कि किसी स्टूडियो में बैठ के हम ये प्रोग्राम आमने सामने करते, लेकिन लाइव है तो इसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, हमें इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। एक दफा फिर इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक सेकेंड। ओके, श्रिया को हमने भेज दी है रिक्वेस्ट। साहिबा, आपका रोजा है आज? जी रोजा है? हाँ पूरे रखती हो? हाँ सारे रखती हूँ, सारे 30 के 30? क्या हाँ। बात है, अगर मैं ईद वाले दिन आपके घर आऊं तो आप क्या करोगी? जैसे सबके साथ करते वैसे ही करेंगे। कितना बेवकूफ सवाल है ना। क्या करोगी, ये क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ रही हैं? ऐड होइए, इनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, शी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। आई नॉट, ये हर बार हमें तंग करता है, पता नहीं इंस्टाग्राम को हमसे क्या तकलीफ है। एक सेकेंड जी, ताइबा कहाँ रह गई तुम्हारी सहेली? ताइबा, कैसा मौसम है श्रीनगर में आज? आज थोड़ा बेटर ही है, बहुत दिनों से बारिश पड़ रही थी, लेकिन बेटर आज का थोड़ा क्या सा मतलब है? यहाँ पे हमारे थोड़ा सा हम सनी जहाँ है। हैं,
सनी है, हम जहाँ बैठे हैं वहां बेटर का हाँ मतलब होता है ठंडा हो थोड़ा। आपके हिसाब से बेटर का मतलब है थोड़ा सनी हो, है ना? कश्मीरियों के हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से तो ठंडा ही ठीक होता है, लेकिन मतलब मेरे घर वाले कहते हैं कि सनी ज्यादा अच्छा सनी होता है, होना क्योंकि चाहिए। हाँ, हाँ ये क्यों नहीं ऐड हो रही है ये लड़की? श्रेया, अगर आप ऑनलाइन हो तो जहां पे आइकॉन दिख रहा है आपको उस पे क्लिक कीजिए। एक सेकेंड जी। वाई आर नॉट रोजदर सिस्टर, हता छह बिचार रोजदर बोला तो सही इसने, है ना? रोजदर हो ना, पता हाँ रोजदार हूँ। नहीं क्या बोल रही कर लो, अभी तो बोला हमने रोजदर। एक सेकेंड, यार ये क्या कर रही है? एक सेकेंड, आपको कहते हो सिस्टर आप क्यों नहीं रोज? अच्छा मुझे कह रहे हो? नहीं, मैं रोजदर नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ तो हम रोजदर नहीं रहते। तो लेकिन जो बच्ची हमारे साथ है तायबा, वो तो रोजदर है। ऐड हो ना यार, ऐड हो जाओ। कैसे ब्लैक स्क्रीन हो गई? आप फिर से क्लिक करो उस पे, डबल क्लिक करो मेरे आइकॉन पे, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो। एक सेकेंड जी, तांगेम लाइवन। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे मेहमान ही नहीं आ रहे हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग। मैं जरा इनको दोबारा फोन करूं। व्हाई आर यू गाइस नॉट स्पीकिंग? हाँ जी, क्या हो गया? आपको रिक्वेस्ट नहीं आ रही ऐड करने की? आप एक्सेप्ट करो उसको, आप भेज दो ना फिर। जैसे होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम फाइन बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, माय गेस्ट्स आर नॉट एबल टू ऐड द यू नो बीन टू दिस सेशन, थैंक गॉड। जी इंटरनेट नमस्कार, क्या हाल है भाई? बहुत टाइम वेस्ट करा दिया आपने। चलो जी कोई बात नहीं, कनेक्ट। हम अपना सेशन शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जान का मतलब है जान पहचान, जान पहचान का मतलब है एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे के बारे में पता करना। तो हम शुरू करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद ताइबा। सारनी व्यों सलाम बचस तायबा बचस सित में जमज मज परान बचस श्रीनगर कशीर मज रोजान मेचे हॉबीज गेवुन शरी लेखन बेतरे।
क्या बात है, अब हम आते हैं श्रेया पे। श्रेया अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सारनी म्यून, म्यूनाक्ष श्रेया भट्ट, बुचस नईमी जमातसमंत परान, बुचस जयम रोजान, म्यून हॉबीच स्केचिंग, बेचस टाइक्वांडो प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बात है, देखिए जी मैंने आपको पहले ही कहा था बड़ी बहादुर टैलेंटेड हसास तो हैं लेकिन बहुत बहादुर भी हैं। देखिए टाइकोंडो भी इनको आता है। और हम आते हैं तायबा पे क्योंकि तायबा ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि उनको गाना गाना अच्छा लगता है, तो आप जरा गा के सुनाइए हमें कुछ। और क्या सुनाएंगी, कश्मीरी में सुनाएंगी कि किसी और जबान में? कश्मीरी में। कश्मीरी में, अरे वाह क्या बात है, सुनाइए जी। नुक पैमान बुचोनास, दिलदार दिल जान पैमान बुचोनास, शम हस पथ परवान, करानो सुईगत करानो सुईगत करानो सुईगत, पांजोल नहीं रिंदान पैमान बुचोनस, मिसाकी अनमोखा नुक पैमान बुचोनस। ब्रिलियंट, बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी आवाज है आपकी। हम कोशिश करेंगे आपको कभी और हम बुलाएं और आप थोड़ा लंबा सा गाना हमें पूरा गाना सुनाएं। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आते हैं श्रेया पे। श्रेया स्केचिंग करती हैं और टाइक्वांडो प्लेयर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएंगी। पहले हमें बताएंगी अपने गोल्ड मेडल कैसे जीता, क्या आपने किया था कि आपको गोल्ड मेडल दे दिया गया, और उसके बाद हम देखना चाहेंगे आपकी स्केच। जी, टाइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट है, इसमें हमें किकिंग वगैरह बॉक्सिंग वगैरह सिखाई जाती है। और गोल्ड मेडलिस्ट की बात रही, हमारा कंपटीशन हुआ था जम्मू में एमएस स्टेडियम में, हमारा कंपटीशन था, मेरे साथ एक अपोनेंट लड़की थी, तो वहां पे मैं जीत गई तो मुझे गोल्ड मिल गया। तो good. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिस इज माय गोल्ड मेडल। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, गुड। और आप स्केचिंग का भी शौक रखती है? मैं स्केचिंग भी करती हूँ और मैं दिखा देती हूँ एक मिनट। ये जितने बच्चे यहाँ आए हैं ना, उन सब ने बनाया है याद। आगे और दिस, ओके, रंगीन हाथ। दिस पीकॉक। पीकॉक, ओके, नाइस, नीट, वेरी नीट। और भी कुछ है? अरे वाह, ये इतनी उदास क्यों है? अच्छा, मैंने एक चीज देखी है इसकी, श्रेया की स्केचिंग में जो भी कोई चीज है ना, वो सोलो है, अकलौती औरत है। हाँ. अकलौता मकान है, अकलौता अकलौता पीकॉक है। इट सेज अ लॉट अबाउट देयर पर्सनालिटी, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत। देखिए फिर से घर, ये भी अकलौता है, एक अकेला घर है, दो पेड़ है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा, नीचे मैंने देखो आपको किसी ने लिखा है कि हमें कश्मीरी बहुत अच्छे से तो नहीं समझ आती लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, तो जो नॉन कश्मीरीज हैं वो भी हमें देखते हैं। और आपको श्रेया के लिए मेरे फादर ने लिखा है अमेजिंग स्केचिंग, और तायबा के लिए मेरे फादर ने लिखा है वेरी वेल संग जिगर, सो स्वीट। ठीक है जी, तो मेरे मम्मी पापा हमारा हर शो देखते हैं, ब्लेसिंग्स फॉर बोथ द गर्ल्स एंड हैट्स ऑफ टू दीदा जी, बहुत शुक्रिया, ये मेरे ही पापा है। चलिए, आप दोनों बच्चों को, जैसे हमेशा यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनको कुछ नहीं मिले तो वो यहाँ से दुआएं बहुत लेकर जाते हैं, और मेरे ख्याल आप भी कमेंट्स पढ़ सकते हैं, और बगल से आपके लिए बहुत सारे दिल जो है उभर उभर के आ रहे हैं, आपके लिए बहुत सारा प्यार लोगों ने भेजा है। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगी श्रेया से। श्रेया, आप कभी कश्मीर गए हो, कभी रहे हो वहाँ? हाँ जी, 2019 में कश्मीरी वहां पे मेला लगा हुआ था, खीर भवानी मेला, हम वहां पे गए थे, मैं 2 times गई हूँ वहां पे, बहुत हमने एंजॉय किया था, बहुत एक्सपीरियंस हुआ वहां पे। जब छोटी थी एक बार तब गई थी, और जब 2019 में गई थी तब भी बहुत अच्छा लगा, वहां पे भगवानों के दर्शन होते हैं,
मंदिर में ही थे तो हम टू टू नाइट्स रुके थे वहां पे। हाँ वेरी नाइस। तो और उसके बाद भी आप गए थे? एक बार तो मेले में गए थे, उसके बाद भी कभी गए थे? नहीं, उसके बाद नहीं गई अच्छा, थी। आपका घर है अभी? आप कहाँ से हो वैसे? आप कहाँ से हो कश्मीर में? बारामूला, वहां बारामूला साइड से हूँ। ओके, वहां पे अरे घर नहीं, हमारी जमीन है वाह, वहां पे। हमारे जमीन में बाग बाग जैसे बोलते हैं, बाग में हमारे अखरोट के पेड़, सेब के पेड़ और बहुत सारे फूल के पेड़, सब्जियां भी क्या बात है। वहां पे। तो आपके लिए फल आता है ये वहां सब। से, बारामूला से? हाँ जी, अपने हाँ बाग का, जी अपने बाग का फल आता है, अखरोट सेब वेब, है ना? अरे जी वाह, जी वेरी नाइस। अच्छा श्रेया, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप अभी छोटे हो, अब वहां पैदा भी नहीं हुए लेकिन फिर भी आपको इतना प्यार है कश्मीर से, है ना? आपकी अभी जमीनें भी हैं और वहां का फल भी आपके पास आता है, तो वहां जो रहने वाले हैं अभी, जैसे कश्मीर में जो रहने वाले हैं, आपको किसी किस्म का कोई गुस्सा हो उस उनके लिए, या किसी किस्म की कोई शिकायत हो? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जानती नहीं हूँ मैं, मतलब इतना पता भी नहीं है। यहाँ पे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जम्मू में, बट उनके साथ बहुत अच्छी बनती है मेरी। ऐसे तो कुछ नहीं, लड़ाई वड़ाई इस बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे नहीं है कि कुछ। ठीक है, तो मतलब आपको गुस्सा नहीं। मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी इनकी इस बात में कि जब मैं जानती ही नहीं तो मैं किसी के लिए कैसे कोई नफरत रखूं या किसी के लिए कैसे कोई गुस्सा रखूं। देखने वालों को मैं यहाँ लेक्चर तो नहीं देने देना चाहती, लेकिन ये बच्चे हैं, इनके जो दिमाग हैं अभी बहुत कच्चे हैं और ये बड़े साफ दिल के होते हैं बच्चे। तो आप कोशिश करें, बच्चों को हिस्ट्री के बारे में जरूर बताएं, सही हिस्ट्री बताएं, लेकिन इनको कोशिश करें कि ये बिटर ना हो, इनके अंदर जो है जहर ना हो। और आप इनके दुश्मन मत चुनिए, इनको अपने आप एक्सपीरियंस करने दीजिए, ट्रैवल करने दीजिए, पढ़ने दीजिए, लोगों से मिलने दीजिए। मुझे ये आपका जो जवाब बहुत अच्छा लगा कि जब मैं किसी को जानती ही नहीं, जिसको मैं जानती नहीं उससे मैं नफरत कैसे कर सकती हूँ। बहुत खूबसूरत आपका मुझे ये जवाब लगा। मूविंग ऑन टू तायबा। तायबा, आप कश्मीर से बाहर कभी रहे हो बेटा? हाँ, 1-2 महीने रही हूँ दिल्ली। एक दो महीने कैसा लगा आपको दिल्ली में? अच्छा ही लगा, लेकिन ज्यादा अच्छा यहीं पर लगता है। ज्यादा अच्छा? मैं उतना ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, लेकिन जब मैं दिल्ली पे गई तो अच्छा ही लगा, लेकिन यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है कश्मीर में, अपने घर हाँ में जा क्या अच्छा लगता है हाँ कश्मीर में? क्या है ऐसा कश्मीर में जो और कहीं नहीं है? वो दूसरी बच्ची जो यहाँ अपना वहां रही भी नहीं है, वो भी कहती है कश्मीर अच्छा है। आप रहती हो, आप भी हाँ कहती हो कश्मीर अच्छा है। बताओ क्या है अच्छा? अपना घर है तो ऑब्वियसली प्यार होगा, अपना और घर मतलब है तो प्यार होगा। लोगों को जानते हैं, और मतलब खूबसूरत जगह है इसीलिए। खूबसूरत जगह है। खूबसूरत तो है, तभी तो लोग इसको जन्नत कहते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है कश्मीर। अब वहां चाहे कभी कुछ भी हो रहा हो, एटलीस्ट मैं जब जाती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून आता है वहां। कश्मीर में नींद बहुत अच्छी आती है, जो बाहर रहते हैं आप एक हाँ कभी ट्रैवल करके देखिए, वहां बड़े सुकून की नींद आती है। खैर आगे चलते हैं। आप देख ही रहे हैं कि ये जो हमारी बच्चियां हैं, बड़ी हैं तो छोटी लेकिन बड़ी स्ट्रांग हैं, इनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक शख्सियत है। तो मैं आप दोनों बच्चों से एक एक करके पूछना चाहूंगी। पहले मैं पूछूंगी श्रेया से कि कोई आपकी वुमन रोल मॉडल है, कोई लेडी ऐसी दुनिया में जो आपको लगे कि मुझे इनकी तरह बनना है, अगर हाँ तो क्यों? तो हम श्रेया से शुरू करेंगे। मेरी रोल मॉडल का नाम मीनाक्षी मैम है। वो हमें एक्चुअली ट्यूशन पढ़ाती थी। उनका मुझे ये इसलिए रोल मॉडल, मुझे उनकी तरह इसीलिए बनना है क्योंकि उनके बात करने का ढंग बहुत सही है, और उन्होंने मुझे मतलब ट्यूशन अलग ही देती थी और एक्स्ट्रा मुझे समझाती भी थी। अगर मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ तो मुझे उस पे टोकना वगैरह, मुझे डांटना कि ऐसा नहीं करते वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत वो अच्छा लगा कि कोई अच्छा इंसान हमें कुछ समझा रहा है तो हम प्लीज उससे पहले समझिए। और मतलब थोड़ी उनसे ज्ञान भी मिल जाता था, और मैं उनके साथ बहुत मतलब फ्रैंक भी हूँ, और वो मेरे साथ भी, मैं उनके साथ बहुत बातें शेयर करती हूँ और वो भी।
भी करते हैं. ओके, तो मतलब अब जितना मुझे समझ में आया कि आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जिनका बात करने का सलीका जो है वो बहुत अच्छा हो, और आपकी लाइफ में ऐसी आपकी एक टीचर हैं जिनके साथ आप काफी कुछ और भी शेयर करती हैं. वेरी गुड. सो मूविंग ऑन टू ताइबा, ताइबा आपकी लाइफ में है कोई रोल मॉडल, कोई वुमन रोल मॉडल, आप कहते हो ऐसी औरत जब मैं बड़ी होंगी तो मैं ऐसी बनना चाहती हूँ, है कोई ऐसा? है, लेकिन मैं जो चाहती हूँ कि लोग मुझसे इंस्पायर हो, मैं दूसरों की रोल मॉडल बनना चाहती हूँ. मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ ताकि लोग चाहें कि मैं तायबा जैसी बनूं. मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी के जैसी बनूं, लेकिन मैं जो कुछ चाहती हूँ अपनी एक इंसान से, एक औरत से, वो मेरी मम्मा है, उससे मैं उसकी जो करेज है वो चाहती हूँ. इतनी स्ट्रांग मतलब मैंने औरत अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है, और मुझे अपनी मामा की स्ट्रेंथ चाहिए. मुझे अपनी मामा जैसे बिल्कुल बनना नहीं है, लेकिन मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, लेकिन मुझे अपनी मामा की करेज चाहिए. तो मामा मेरी एक रोल मॉडल है. वेरी नाइस. भगवान करे आप दोनों बच्चियों को बहुत सारी करेज मिले, जिनसे भी आप इंस्पायर होते हैं उनके जैसे भी आप बने. आप में खुद भी अपनी एक बड़ी स्ट्रांग शख्सियत है, आप दोनों बच्चों की वो भी बनाए रखे, और मेरी और आई एम श्योर देखने वालों की भी आपको बहुत बहुत दुआएं हैं. आप वो हासिल करें जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं. चलिए, दोनों बच्चे कश्मीरी कश्मीरी में बात कर पाते हैं जो आपने इनके इंट्रोडक्शन में ही देख लिया, और इनको अपने वतन से बहुत मोहब्बत भी है. तो इसमें पूछना चाहेंगे इनसे कुछ कहानियां, क्या इन्होंने कभी अपने बड़ों से कोई ऐसी यादगार कहानियां कश्मीर से जुड़ी सुनी है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से. हम शुरुआत करेंगे श्रेया के साथ. है कोई ऐसी कहानियां, कोई कश्मीर से जुड़ी यादें? मेरी नानी की स्टोरी थी, उन्होंने मुझे बताया था नानी ने. वो बैसाखी पे निशाद बाग जाते थे कश्मीर में, बैसाखी पे अपने सारे पड़ोसी मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ वहां पे जाते थे. वहां पे फाउंटेन्स, फूल वगैरह, गार्डन टाइप वहां पे बैठते थे उनके साथ, मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ जाते रहते थे, और बैसाखी में बहुत एंजॉय, अपने घर से खाना भी लेके जाते थे और मिल बांट के खाते थे. ये सुना था मैंने. ओके, और मम्मी से कुछ कहानी कोई सुनी हो? मम्मी की एक फनी स्टोरी है, मैं आपको बताऊं. फनी तो हम तो असुन कशुर हैं, हमको फनी तो बहुत लगती है यहाँ पे स्टोरी, प्लीज बताइए. अच्छा, उससे पहले आपके किसी ने लिखा है, अच्छा मेरी मदर ही आई, ब्लेसिंग्स टू बोथ द गर्ल्स. और एक और है पूर्णिमा जी, उन्होंने लिखा है वेल सेड ताइबा, योर फेरन इज वेरी ब्यूटीफुल. साथ साथ आपकी तारीफे भी तो कर दू आपकी. ठीक है जी. हाँ जी बेटा श्रेया. तो मेरी मम्मा तब छोटी थी, तो मेरी मम्मा कश्मीर वो चले, कश्मीर की बात है, तो वो भगवान को ढूंढने चले गए. कश्मीर भगवान को ढूंढने चले गए. अच्छा ठीक है फिर. मम्मी बोलती है मैं भी देखती हूँ भगवान को कहाँ मिलते हैं. वो चलेगी ढूंढने, एक क्या हो गया उनको, भगवान तो नहीं बट भगवान की एक फोटो जरूर मिली. वो चलेगी बड़ी दूर चलेगी, आगे आगे वहां पे ना उनको एक फोटो मिली कृष्ण भगवान की. अच्छा हाँ, थोड़ा सा ये मतलब फनी टाइप भी है कि वो तो सही. ठीक है जी. देखिए श्रेया की मम्मी, हम तो बोलते ही है कश्मीर जो है देवलोक है, भगवान का, खुदा का घर है, और इनकी हाँ. मदर बचपन में उसी भगवान को ढूंढने निकली थी और उनको मिल भी गए. देखिए ये है हमारे कश्मीर की तासीर और खासियत, यहाँ भगवान मिल जाते हैं, खुदा मिल जाते हैं. बहुत प्यारी कहानी. हम आएंगे ताइबा पे. ताइबा आपने सुना बेटा कुछ कश्मीरी पंडितों के बारे में, कोई ऐसी कहानी सुनी हो हाँ. यादगार आपके पेरेंट्स की? मेरी मम्मा का रानावारी एरिया में पली बड़ी है, तो वहां पर बहुत सारे कश्मीरी पंडित तब रहते थे. मेरी मम्मा ये कहती है कि बहुत सुबह सनराइज से बहुत पहले एक प्रोसेशन जैसा कश्मीरी पंडित लोगों का निकलता था. वो प्रार्थना करने हारी पर्वत फोर्ट तक जाते थे, लेकिन रास्ते में वो हमारी जहाँ पर मेरी मम्मा रहती थी उनके बाग से पंपकिन के फ्लावर्स और मैरीगोल्ड के फ्लावर्स लेते थे, और वो फिर
सनराइज तक चलते चलते प्रार्थना करते करते हारी पर्वत फोर्ट तक जाते थे और वापस अपने अपने घर पे जाते थे। और उनमें जो जो दादी होती थी, जो दादी नानी या हेड जो होती थी घर की, मेरी मम्मा कहती है उनकी ड्रेसिंग थोड़ी सी बयान करती है, वो कहती है कि मतलब उनको बहुत लंबे और लूज फेरन पहन के होते थे, और जो उनकी जो स्लीव्स होती थी फेरन की वो कुछ फोल्डेड होती थी, फोल्डेड होती थी, और वो उस उन फोल्ड जो थे वो वाइट होते थे। और मेरी मम्मा ये भी कह रही थी कि वो एक बेल्ट जैसा कुछ लगा के होता था, और उनके कानों में डेजिहोर उसको कहते हैं जो मार्क करता है शादी हुई है या नहीं, वो पहन के होता था, और जिससे सर के बाल ना दिखे वो कवर करने के लिए, बाल कवर करने के लिए तरंग, मेरी मम्मा कह रही थी कसाब, कसाब कसाब जैसा। हाँ क्या बात है, खूबसूरत। तो आप ऐसा पिक्चराइज कर पाते हो कैसे होता होगा? हाँ, तब बहुत पहले है ना। अब इमेजिन करो हमारी जो श्रेया है वो तुम्हारी पड़ोसी बन जाए और ये भी कसाब लगा के और वो लंबा फेरन करके, अच्छा लगेगा आपको आपके साथ अगर ऐसे रहेंगे? हाँ। चलिए, श्रेया तो अभी बहुत छोटी है तरंग वगैरह पहनने के लिए, बट हाँ ये जो आपने अभी बयान किया है, इस तरह से जो पुरानी कश्मीरी पंडित औरतें थी वो लोग ऐसे ही ड्रेसअप करते थे। और एक चीज जो मैं सुनने वालों का भी ध्यान उस तरफ ले जाऊं कि पुराने टाइम पे जैसे मेरी जब ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उनको हम काकनी बोलते थे, उनकी कुछ फोटोज घर पे हैं, तो वो इसी तरह का जैसा अभी तायबा ने अटायर बयान किया है उसी तरह का अटायर पहनती थी। और जितने भी कश्मीरी पंडित और मुसलमान मर्द और औरतें थी वो सब लोग सर ढकते थे। जो आदमी थे उस वक्त, मान लीजिए मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पे, वो सर पे टर्बन बांधते थे जिसको दस्तार बोलते हैं। ये हाँ, कश्मीरी मुसलमान मर्द भी करते थे और पंडित मर्द भी करते थे और पंडित भी करते थे। और जो सर ढकने का है, सर जो है कश्मीरी पंडित औरतें भी ढकती थी और मुसलमान औरतें भी ढकती थी। तो हम हेड गेयर की बहुत इंपॉर्टेंस रही है बहुत पहले, अब काफी हाँ, कुछ चेंज हो गया है, लेकिन ये कुछ और सिमिलैरिटीज हैं हमारे कल्चर में जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। चलिए, रोल मॉडल की हमने बात कर ली, अब आप दोनों इतने समझदार बच्चे हो, मैं ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्यों ना हम ऐसा करें कि आप लोग एक दूसरे से भी कुछ सवाल पूछें। अगर आपको एक दूसरे के लिए कुछ सवाल हैं, हम शुरू करेंगे तायबा से। तायबा, आपको कोई क्वेश्चन है श्रेया के लिए? हाँ, एक क्वेश्चन है, पूछिए। तो श्रेया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप, अगर मैं वहां आ गई या हम कभी एक साथ मिल गए, हम एक ही जगह पे रह रहे हैं और हम एक ही स्कूल में भी जाते हैं, तो क्या आप एक कश्मीरी पंडित के साथ दोस्ती करोगी या एक कश्मीरी मुस्लिम के साथ, मेरे साथ या किसी कश्मीरी पंडित के साथ? मैं दोनों के साथ करूंगी, मेरे को कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ भी। अगर आप आते हो मेरे स्कूल में पढ़ते हो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी इस बार। मतलब कि मैं, मतलब बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आए। वेरी स्वीट, दैट्स वेरी स्वीट। डिड शी आंसर योर क्वेश्चन तायबा? इज दैट इट? हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप, मैं इतना ज्यादा कश्मीर तो आई भी नहीं हूँ, मुझे शायद कुछ मतलब इतना नहीं नॉलेज है कश्मीर के बारे में। मुझे पूछना था कि आप कश्मीर में कौन कौन सी जगह गए हो और आपको सबसे ज्यादा कश्मीर में कौन सी जगह अच्छी लगती है? मैं कश्मीर में बहुत सारी जगह नहीं गई हूँ, पर थोड़ी जगहें गई हूँ, जैसे मुगल गार्डन्स है, निशात बाग, शालीमार बाग है, चश्मा शाही है, और एक गार्डन है बोटानिकल गार्डन, और परी महल है, हारी पर्वत फोर्ट है, दौद पथरी है, कोकर नाग है, वेरी नाग है, इन जगहों पे मैं गई हूँ। तो इसमें से सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगती है, एक तो सबसे पहले वो परी महल है, और गुलमर्ग मुझे बहुत अच्छी जगह लगती है, क्योंकि हम अपनी स्कूल के साथ जाते हैं ट्रिप्स पे, तो वहां पर एक तो थोड़ी ठंड होती है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वहां पर। एक तो वहां पर बहुत सारे ट्रीज है और सब कुछ ग्रीन होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो वहां बहुत मजा आता है और उतना शोर भी नहीं होता है। पता लग गया, अब अगली दफा जब आप बारामूला आओगी, अब आपने तायबा से ये सारी जगह का रास्ता वस्ता पूछना है कैसे जाना है, और फिर आपने भी इन जगह जाना है ना, क्योंकि दोनों बच्चियों को सर्दी बहुत पसंद है और दोनों बच्चियों को नेचर बहुत पसंद है, जितना मुझे इन्होंने
बताया है बिहाइंड द सीन्स जब हमने इनसे बात की थी. जैसे कि मैं आपको हर दफा बताती हूँ, ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करने से पहले हम पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट हम 2-3 बार बात करते हैं बहुत तफसील से, इन बच्चों को जानने की कोशिश करते हैं, इनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया. एक काम करते हैं, अब आप दोनों बच्चे कश्मीरी बोलते हैं, अच्छी कश्मीरी बोलते हैं, हम सीधा आते हैं अपने सिर्फ कशुर सेगमेंट पे. ठीक है, सिर्फ कशुर सेगमेंट है जो अभी तक तो शायद देखने वालों को भी पता लग गया होगा. इसमें हम इज्जत देने की कोशिश करते हैं अपनी कश्मीरी जबान को, जिसकी वो बहुत बहुत हकदार है. पहले बच्चे मुझे कुछ कहानी सुनाते थे कश्मीरी में या राइम सुनाते हैं, इस दफा हमने सोचा थोड़ा सा हम अलग करें. ठीक है, करें थोड़ा सा अलग करें. हम एक काम करते हैं, हम एक स्टोरी बिल्ड करते हैं छोटी सी 2-4 लाइनों की. तो मैं एक आपको ओपनिंग लाइन दूंगी और वहां से श्रेया पकड़ेगी और आप तायबा जो है उसमें अपनी लाइन जोड़ के हम इसका कुछ मीनिंगफुल सा निकाल देंगे. ठीक है जी? जी चलो, चूंकि फनी रखना है तो मैं आपको कुछ फनी देती हूँ. ठीक है चलो. आइकलेट ओस आख खार सोस जंगलस्मस पकान. ठीक है श्रेया. खरोस जंगलस मंस पकान 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 गो दबस मंस. तायबा. तो जंगलस मंस अस अक रे पन्यन शुरन सूत पकान. ओके. शुर प्रुस माज इच्छा बोर्ड की बुच्छुस बोर्ड. तायबा. माजी वोनस जे वुचने छु ये बोर्ड बासान मगर अकल छुक सु बोर्ड. अरे वाह क्या बात है, वेरी नाइस. तो ये था हमारा सिर्फ कशुर सेगमेंट. इस दफा हमने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की, एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की. अगली बार भी हम अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे हम ऐसा कुछ थोड़ा सा अलग इसके साथ खेलें. ठीक है जी. तायबा ने अपने इंट्रोडक्शन में हमको बताया था कि उनको जो है पोएट्री बहुत अच्छी लगती है, वो खुद लिखती भी हैं, अंग्रेजी में भी लिखती हैं, उर्दू में भी लिखती हैं. तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि हमें एक अपनी कोई अंग्रेजी की पोएट्री सुनाए. सुनाइएगा. तो ये जो पोएट्री है ये इंग्लिश में है, तो ऐसे स्टार्ट होती है. बी इट देम बी इट यू हेट्रेड विल रिमेन इवन दो साउंड्स ऑफ लोथ रिमेन साइलेंस ऑफ केयर वैनिशेस ब्रोकन पीसेस रिमेन द वन हु ब्रोक पेरिशेस इवन इफ यू ड्रेस वूंड्स स्कार्स रिमेन इवन इफ यू होल्ड इट सैंड पासेस इवन इफ यू लेट गो थॉट्स रिमेन इवन इफ यू स्टॉप इट टाइम पासेस इवन इफ यू स्टे क्वाइट पेन सोर्स हाई Even if you smile, eyes cry. Even if you try being silver, you remain graphite. Even if you prevent, you get erased. Even if you live, your voice gets suppressed. Even if you die, your memories remain. Your memory remains. Thank you. Beautiful. Even if you smile, your eyes cry. 12 साल की बच्ची है. आप ये भी सोचे और quality of writing देखिए, सोच देखिए. और मैंने आपसे तभी कहा था ये दोनों बच्चियां बहुत हसास हैं और साथ ही साथ बहादुर भी हैं. बहादुरी की बात करते हैं तो हम आते हैं श्रेया पे. श्रेया ने हमें अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये टाइकोंडो खेलती हैं, सीख चुकी हैं और उसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल भी पाया है जो इन्होंने हमें दिखाया भी. तो मैं श्रेया से पूछना चाहूंगी, बेटा आपने टाइकोंडो क्यों सीखा? ये आपका कोई शौक था या ऐसे ही? शौक तो नहीं था पहले, बट सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था. कभी कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वहां पे हमें सेल्फ डिफेंस की बहुत जरूरत होती है. तो कभी कुछ मतलब एक स्टोरी थी मैं आपको बताना शेयर करती हूँ. एक बार मैं ट्यूशन जा रही थी, ट्यूशन जा रही थी लेट नाइट, मतलब थोड़ा लेट टाइम था ट्यूशन का. तो एक्चुअली 2 लड़के थे बाइक पर, तो मैं नॉर्मली ट्यूशन जा रही थी, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया. अचानक धक्का दे दिया और मैं गिर गई. मुझे चोट भी लग सकती थी या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता था. जैसे तैसे मैं वहां से भाग तो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ आज ये हो सकता है तो कल शायद कुछ इससे बड़ा भी हो सकता है. तो इस वजह से मैंने टाइकवांडो वो स्टार्ट किया फिर. वेरी गुड, अच्छी बात है. अगली दफा ऐसा कुछ हो, भगवान न करे ऐसा कभी कुछ हो, खुदा न खास्ता ऐसा कभी किसी भी बच्ची के साथ ना हो, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए इन्होंने ये सीखा है. इससे हमारे माशरे की क्या हालात हैं वो भी पता लगते हैं
और बहुत अच्छी बात नहीं है ये. जो लड़के हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जो सारी लड़कियां हैं इनकी जो हिफाजत है उसका ओनस आपके ऊपर भी है, तो इन बच्चियों को ये स्पोर्ट्स सीखने पड़ते हैं ताकि ये अपनी हिफाजत कर सकें. तो ईव टीजिंग इज अ मेनेस, इस बारे में मैंने एक दफा वीडियो भी बनाया था जो कि बहुत लोगों को परेशानी हुई उससे, क्योंकि हम जो अपने माशरे की बुरी बातें हैं उनके उनको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. हाँ, अगर मैं तायबा से पूछूं, तायबा आपको पता है ईव टीजिंग क्या होता है? ऐसा होता है कश्मीर में? आप जितना मैंने सुना है होता है. तो आपकी कजिन्स या बड़ी बहनें किसी कोई हुई है? कजिन्स और बड़ी बहनों में तो नहीं ऐसी शिकायत हुई, लेकिन फ्रेंड्स या स्कूल मेट्स में हुई है. तो उन्होंने भी मतलब है ऐसा, कश्मीर में भी होता है ऐसा. हाँ. तो बहुत गलत बात है. तो बच्चियों को देखिए सेल्फ डिफेंस के लिए उनको ये चीजें सीखनी पड़ती हैं. तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारी सारी लड़कियां बहनें बच्चियां जितनी भी हैं उनको अपनी हिफाजत में रखें, उनके साथ कभी ऐसी कोई जो हरकत है वो पेश ना आए. आगे बढ़ते हैं. हमने पोएट्री भी सुन ली, हमने श्रेया के गोल्ड मेडल की कहानी भी सुन ली और इनकी बहादुरी के किस्से भी सुन लिए. मैं बड़ी क्यूरियस हूँ एक चीज जानने के लिए, क्योंकि इन बच्चियों ने मुझे बताया है इन्होंने जान के जो है सारे एपिसोड देखे हैं, है ना? तो आप लोग जान पे क्यों आना चाहते थे, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? हम शुरू करते हैं तायबा से. जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि कुछ नया है और कुछ कल्चर के रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ करूंगी. मैंने उसी दिन उसके अगले दिन ही अपनी जो है एंट्री भेजी. पहले मुझे लगा था कि आपने इनवाइट किया है उन बच्चों को, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैंने अपनी एंट्री भेजी. इसीलिए मैं पार्टिसिपेट करना चाहती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नई नई चीजें करना और जिस चीज से मुझे एक्सपीरियंस मिले वो तो मैं करती ही करती हूँ. वेरी गुड, ठीक है. श्रेया आप क्यों आना चाहते थे? मैं और ज्यादा कश्मीरी कल्चर को फॉलो करना चाहती हूँ और कल्चर को फॉलो करना चाहती हूँ, अपनी कश्मीरी जबान को फॉलो करना चाहती हूँ और इसके साथ बहुत जुड़ना चाहती हूँ और ज्यादा जानना चाहती हूँ. इस वजह से मैंने जान प्रोजेक्ट एंट्री. दैट्स सो ऑनेस्ट. दोनों बच्चियों की रिप्लाइज जो हैं बड़ी ही ईमानदार हैं और बड़ी दिल से निकली हैं. और मुझे जब मैंने पहले भी मैंने आपको बताया कि हम बिहाइंड द सीन्स बहुत बात करते हैं, तो मैंने इन दोनों से बात भी की थी. तो इन्होंने अपने जो जान के सारे एपिसोड्स हैं 6 के 6 अभी तक के एपिसोड्स देखे हैं. और मैंने श्रेया से जब पूछा था, क्योंकि वो बाहर रहती हैं, कश्मीर से बाहर रहती हैं, तायबा तो वहीं रहती हैं, तो मैंने इनसे पूछा था आपको क्या अच्छा लगता है, क्या कौन सा अच्छा लगा. तो इन्होंने कहा कि जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने बर्फ दिखाई थी कश्मीर में. तो जितने भी बच्चे कश्मीर से बाहर रहते हैं उन सब से जितनों से मैंने बात की है वो सब लोग बर्फ की जरूर बात करते हैं कि हमें सर्दी बहुत मिस होती है, वहां का मौसम, हमें भी उस मौसम में रहना है. तो इसी तरह दूर रहते हुए भी इस प्रोजेक्ट के जरिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है इन सबको मैं जोड़ दूं और इन सबको कश्मीर लेकर जाऊं, एक दोनों को इन सब लोगों को आपस में बात करवाऊं. तो यही मेरा एक छोटा सा ये जो इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट असुन कशरजान, इसी बारे में है. बहुत बहुत खुशी है मुझे कि आप दोनों बच्चे जो हैं अपने कल्चर से इतना प्यार करते हैं, जबान से इतनी मोहब्बत करते हैं. बढ़ते हैं हम आगे. अब क्या पूछा जाए आपसे, आपने कश्मीर की बात की तो हम ट्रेडिशंस की बात करते हैं, ठीक है? अपने अपने ट्रेडिशन के बारे में कुछ बताइए. हम शुरू करेंगे श्रेया से. श्रेया हमें कोई कश्मीरी पंडित ट्रेडिशन के बारे में बताइए, उसके बाद तायबा हमें अपने किसी ट्रेडिशन के बारे में बताएं, ठीक है? जी, कश्मीरी ट्रेडिशन में मैं शादी की बात करती हूँ. शादी में एक रस्म होती है देवगुन. देवगुन, ठीक. देवगुन में अपने जो मासी होती है, बुआई होती है, वो चाहे दूल्हा हो या दुल्हन हो, उनको वो नहलाते हैं. उसे हम कंचरन बोलते हैं कश्मीरी में. कंचरन वो दही से नहलाया जाता, मतलब उनको नहलाया जाता है दही के हेल्प से, तो उन्हें बोलते हैं कंचन. फिर उसमें प्रसाद जब नहाने के बाद उनके दूल्हा दुल्हन के जो मामा होते हैं वो उनको गोद में उठा के हवन की ओर ले जाते हैं. हवन में जो उनको सोना वगैरह देते हैं घर वाले पेरेंट्स, उनकी पूजा करके उनको लगाया जाता है. और जो प्रसाद होता है, प्रसाद में हमें मंगवीर खाने को मिलते हैं. मंगवीर मूंग से बनता है और तमुल सोट चावल के आटे से रोटियां बनती है और खीर बनती है.
वेरी नाइस, ये देवगोन एक हमारी रसम होती है कश्मीरी पंडित शादियों में, जिसके बारे में हमें श्रेया ने बताया। इसमें मामा का बहुत ये होता है, अहम किरदार होता है, क्योंकि मामा जी गोदी में उठा के खिड़की से बाहर लेकर जाते हैं। ठीक है, और जो मंगवेर की इन्होंने बात की और तुमलचोट की बात की, वो बड़ी कश्मीरी डिशेज हैं, आइटम्स हैं खाने की। मुझे मंगवेर बहुत पसंद है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सो थैंक यू श्रेया फॉर दैट। अब हम चलते हैं तायबा की तरफ, तो तायबा हमें कोई कश्मीरी मुसलमान ट्रेडिशन के बारे में बताएं। बोलिए। मैं बात करूंगी दूध कहवा के बारे में। दूध कहवा एक कहवा का किस्म है जिसमें दूध का इस्तेमाल होता है। इस कहवे में जो इलायची है, इलायची का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्यूनरल्स पे सर्व होता है, लेकिन इसकी एक वजह है फ्यूनरल्स पे क्यों सर्व होता है। उसकी ये वजह है कि जो जो इंसान गुजर गया होता है, उसके जो रिश्तेदार होते हैं, जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें बहुत रोया होता है और ऑब्वियसली वो सैड होते हैं, तो वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए ये कहवे में दूध डालते हैं। वो कुछ थोड़ा अलग किस्म का कहवा होता है, इसमें सैफ्रॉन नहीं पड़ता है। ये उनको देते हैं ताकि वो थोड़ी सी उनमें एनर्जी आए और मतलब अपनी थोड़ी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सके। ठीक है, थैंक यू। चलिए, हमें तायबा ने बताया दूध कहवा के बारे में, श्रेया ने बताया देवगोन के बारे में। अब हम आ चले हैं अपने प्रोग्राम के ऑलमोस्ट आखिर तक, आखिरी पड़ाव तक। तो वो पूरा नहीं हो सकता जब तक हम इनका थोड़ा सा वोकैबुलरी क्विज ना करें, है ना। कश्मीरी बच्चियां हैं, कश्मीरी में बात करती हैं, आपने सिर्फ कशर सेगमेंट में भी वो देख लिया, इंट्रोडक्शन इन्होंने अपना कश्मीरी में दिया है, तो हमें उम्मीद है कि हमने छोटे से 2-3 सवाल इनके लिए रखे हैं, तो हमें पता लगे कि इनको देखें कितनी कश्मीरी आती है। ठीक है जी, चलो। रूफ को क्या बोलते हैं? रूफ को छत हुआ हिंदी में, हिंदी या उर्दू में। शाबाश, मालूम है? नहीं, तालव। तालव, वेरी गुड, तालव बोलते हैं। ठीक है, जो आइसिकल होती है, ये जो जम जाती है ना बर्फ, जब बर्फ पड़ती है, ऐसे नहीं होता पेड़ों पे जो बर्फ जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं? शिशरगांठ। शिशरगांठ, आपको पता था श्रेया? शिशरगांठ मालूम था? नहीं? ओके, नहीं, नहीं। चलो, शिशरगंठ। अब आपको समझ आ गया किस बारे में बात कर रहे हैं, वो जो जम जाती है आइसिकल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। वेरी गुड, ओके। ग्राउंड को क्या बोलते हैं? ग्राउंड को, जहाँ मैदान जिसमें खेलते हैं। मैदान ही बोलते हैं ना, मैदान। मैदान बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? आंगन। आंगन भी बोलते हैं ना, आंगन। आंगन वैसे नहीं, बाग हुआ जिसमें कुछ उगाया हुआ हो। आंगन, अच्छा, हम बाग को ही बोलते हैं। आंगन बाग को नहीं बोलते, आंगन होता है बेसिकली जो घर के बाहर एक छोटी सी जगह, कॉरिडोर जैसा, उसको बोलते हैं। तो मैंने एक्चुअली आपसे सवाल थोड़ा गलत पूछ लिया, तो आंगन उसको बोलते हैं। लेकिन अब बाग आपने बोला, बाग में हुआ पेड़ पौधे। अब एक और है, किचन गार्डन, जहाँ सब्जियां वब्जियां उगाते हैं हम घर, उसको क्या बोलते हैं? वर। हाँ, उसको बोलते हैं वर। आपको पता था श्रेया? वर बोलते हैं, जहाँ सब्जियां उगाते हैं उसको वर बोलते हैं। चलिए, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा हमारा ये सेगमेंट भी, हमारा काफी अच्छा रहा। ठीक है, अब तो हम बिल्कुल ही आखिर पर आ गए हैं। जैसा कि वादे के मुताबिक मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कश्मीर से जुड़ी हुई। तो किश्तवाड़ और कश्मीर के बीच में एक वर्वन वैली आती है, वहां एक गांव है यर्दू। ठीक है, यर्दू, यर्दू से 2 दिन का ट्रैक है और हम पहुंचते हैं एक जगह जिसको कहते हैं तत्वोइन। वोइन गव असली पोइन, मतलब वाटर। तत् का मतलब हुआ गर्म, तत्वोइन, और अगर हम हिंदी या उर्दू में बोले तो तत्ता पानी उसको कहते हैं। वहां पे एक, वो तत्ता पानी जो है वो एक हॉट स्प्रिंग है। ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसमें खोलता हुआ बिल्कुल गर्म पानी होता है। और कहते हैं कि अगर किसी को, किसी भी इंसान को पोलियो, पोलियो हो या मान लीजिए बोन से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो, तो अगर वो उसमें, उस तत्वोइन में, तत्ता पानी में 2-4 दफा डुबकी लगाते हैं, फिर बाहर आके उनको हम पहनाते हैं पोट पट्टी पलो, मतलब वुलन कपड़े हम उनको पहनाते हैं, तो उनकी जो तकलीफ है वो दूर हो जाती है।
तो ये है महिमा तासीर हमारे जम्मू कश्मीर की। वो जमीन में, उस जमीन में बहुत ताकत है, उस जमीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे हॉट स्प्रिंग्स जो हैं जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हैं। तो मैंने आपको आज तत्ता पानी के बारे में बताया, जिसकी कहते हैं इसकी इतनी तासीर है, इतनी ताकत इस खौलते हुए पानी में है कि अगर किसी को पोलियो जैसी बीमारी भी हो या बोन से रिलेटेड कोई शिकायत हो, इसमें डुबकी मारे, बाहर निकल के वुलन कपड़े पहने, थोड़ी देर बैठे, तो उनके जो है वो तकलीफें दूर हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है जी। ये जी था हमारा आज का एपिसोड 7। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये कहानी सुनकर, और इन बच्चों के बारे में जानकर, इन्होंने ट्रेडिशंस के बारे में बताया, कश्मीरी बातें हमारे साथ शेयर की। तो वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने वालों से मेरी गुजारिश कि हमें ऐसे ही प्यार भेजा करें जैसे अभी तक आप भेजते आए हैं। इन बच्चों को बहुत सारी दुआएं दें कि इनका जो भी इनका मुस्तकबिल है, इनका रोशन हो। वो तो खैर आप देख ही सकते हैं, बड़ी जहीन और प्यारी हमारी ये बच्चियां हैं। और अभी तक अगर आपने अश्विन कौशल को, अपनी दिदा को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो नहीं किया, तो यही वक्त है। अपने इंटरनेट कनेक्शन का सही इस्तेमाल करें और ऐसा करें, और इन बच्चियों को बहुत सारी दुआएं भेजें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे इजाजत मांगती हूँ, और असिव बसिव तिलसिव आपकी अपनी दिदा। बाय बाय, फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।